हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी, परिवर्तन आईएएस बहराइच। आज प्रतिशत लाभ हानि का द्वितीय भाग है, पार्ट टू, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको लाभ हानि को और समझाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ प्रतिशत का लाभ हानि का भाग ये जरूर देखिएगा, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट उसी भाग में है। जब तक उस भाग को आप अच्छे से नहीं देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन को आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप प्रतिशत के तीन भाग हैं हमारे परिवर्तन आईएएस बहराइच यूट्यूब चैनल पर, और उनको अगर आपने देख लिया तो लाभ हानि आपको बहुत इजी कॉन्सेप्ट लगेगा। प्रतिशत लाभ हानि का चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत आसान लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस करने में, बुक के क्वेश्चन करने में। तो आज आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसे एक क्वेश्चन बहुत आता है कि किसी वस्तु को ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेचा, फिर सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा। यदि डी ने वस्तु को 3564 रुपए में खरीदा तो ए ने कितने रुपए में वस्तु को खरीदा। अब यहां देखिए, प्रतिशत के चैप्टर में मैंने क्रमिक वृद्धि और क्रमिक कमी की बात की थी। वहां क्वेश्चंस को आप पार्ट फोर में देख सकते हैं कि कैसे हमने कराया था, और वो क्वेश्चंस के रूप में प्रतिशत क्रमी और प्रतिशत वृद्धि के क्वेश्चन। तो उसमें जैसे ये होता है क्वेश्चन कि पहले किसी वस्तु में, मान लीजिए, या किसी चीज में किसी वस्तु किसी व्यक्ति की आय में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि की गई, तो उसकी आय अगर इतनी हो गई है तो पहले कितनी आय थी, यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो यहाँ कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्रमिक वृद्धि और क्रमिक कमी का ही क्वेश्चन है, बस लाभ और हानि के रूप में दिया है। तो यहाँ हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ए ने वस्तु को किसी रुपए में खरीदी थी, या ए ने, मान लेते हैं, इसने वस्तु को एक्स रुपए में खरीदी। अब क्या है, ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा है, यानी 20% बढ़ाकर बेचा, यानी बी को जो वस्तु पड़ी वो एक्स के 120% में पड़ी। सीधा सा हिसाब है, क्योंकि 20% का लाभ है, 20% बढ़ा है। अब बी ने जो सी को बेचा वो 10% के हानि पर बेचा सी को, यानी यहां जो सी को वस्तु पड़ेगी वो इसी क्वांटिटी का 10% लेस कर देंगे, यानी कि उसके बाद जो क्वांटिटी आएगी वो इस पूरी क्वांटिटी का 10% लेस, यानी 90% पर बिकी। यहां 90% कर दिया। अब सी ने जब बी को बेचा तो फिर 10% लाभ पर बेचा, यानी उसने 10% की फिर वृद्धि कर दी, यानी इस क्वांटिटी में फिर 10% बढ़ेगा। तो 120/100 × 90/100 × 110/100, अब ये क्वांटिटी आएगी डी के लिए, और यही चीज दी हुई है, यही चीज इसी को हम इक्विवेलेंट 3564 पे दिखा सकते हैं। अब आप सीधे सोचिए कि एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, नीचे के चीजें जो है पक्षांतर हो जाएंगी और क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ऊपर में 100/120 हो जाएगा, यहाँ 100/90 हो जाएगा, और 100/110 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे हमको चीजें पता चल जाएगी। अब इसी को हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट के तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हम पहले ही मान लेते हैं कि 100 रुपए में थी वस्तु, अब देखिए पहले जो बेचा गया वो 20% लाभ पर बेचा गया, यानी 120 हो गई सीधे सीधे तुरंत, क्योंकि 100 में 20% बढ़ाया हमने, सीधे 120 हो गई। फिर देखिए, अगर हम 120 को जो है 120 से 10% हानि पर बेचेंगे, 10% की कमी किया, तो 120 का 90% निकालेंगे। फिर इसी चीज को देखिए, यहाँ फिर जो आता है, फिर 10% का लाभ किया गया, यहाँ 120 का जो 90% निकाला था उसका फिर 110% निकालेंगे। अब ये चीज जो हमारी आएगी वो इक्विवेलेंट है 3564 के, तो यहां इस चीज को हम बराबर 3564 के दिखा देंगे। तो ये पूरी चीज 3564 के बराबर है, यानी कि हमको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 कितने के इक्विवेलेंट होगा, तो सीधी सी बात है, अगर ये चीज 3564 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा, इसी पूरी क्वांटिटी से 3564 को भाग कर देंगे। तो भाग देंगे जब, तो 120, 90, 110 नीचे रहेगा और 100 ऊपर चला जाएगा। फिर जब 100 की वैल्यू निकालेंगे तो एक बार मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो इसी फॉर्म में जो है हमारा 100 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, क्योंकि यहाँ ये इक्विवेलेंसी दिखा रहा है कि 100 मानना तो हमारे पास ये चीज इतनी आई, और यही इक्विवेलेंट है 3564 के। तो 100 कितने के इक्विवेलेंट होगा, बस इसी को हम कॉन्सेप्ट में बदल देंगे। तो सेम चीज है, बस इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है
इससे भी थोड़ा सा आसान है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दो वस्तुएं रहती हैं और कभी कभी दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर दिए होते हैं, या कुछ क्वेश्चंस में दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर दिए होते हैं, तो वहां कुछ लोग तो रटने वाला विधि अपनाए रहते हैं, रट लेते हैं कि हाँ एक फार्मूला होता है दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है, एक में 10% का लाभ दूसरे में 10% की हानि, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि, तो वो उनको रटा हुआ है कि 10×10/100 कर देना 1% की हानि। क्वेश्चन बिना पढ़े पहले ही आंसर आ जाता है 1% की हानि। तो जब वो 1% की हानि बताते हैं जितने उत्साह में, उतने ही उत्साह में मैं उनसे कहता हूं कि ये उत्तर गलत है, तो फिर उनको बहुत अचंभित हो जाते हैं कि आखिर क्या गलत है, हमने तो यही पढ़ा है सर कि जब 10% का लाभ हो और 10% की हानि हो तो दोनों को गुणा करके 100 से डिवाइड कर दीजिए, उतने परसेंट की हमेशा हानि होगा। लेकिन यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य बराबर है दोनों वस्तुओं के या क्रय मूल्य बराबर है, दोनों की विधियां अलग है। अगर वस्तु के दोनों के क्रय मूल्य बराबर हैं तो वो दूसरी तरीके से लगेगा, अगर दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हैं और एक पर कुछ प्रतिशत लाभ और एक पर कुछ प्रतिशत हानि हुई है तो वहां उसका कॉन्सेप्ट दूसरा है। तो यहां मैंने पहले जो क्वेश्चन लिया है वो ये लिया है कि तो यहां अभी जो क्वेश्चन लिया गया है उसमें दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर है, ये ध्यान दीजिए, और उनकी रटिए मत, हमेशा विक्रय मूल्य बराबर का ही क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि क्वेश्चन में क्रय मूल्य बराबर लिख दिया गया और चूंकि हमारे दिमाग में सेट है, हमने रटा हुआ है उदाहरण जो है कि विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है, और हम ध्यान देते नहीं है और 10 और 10 देखा नहीं कि 10×10/100 किया और 1% की हानि पर टिक करके चले जाए। तो ये रटने वाले कॉन्सेप्ट से आप जान पाइए, क्योंकि यहाँ जो है आपको समझने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जितनी ध्यान से पढ़ेंगे गलती होने की संभावना उतनी ही कम होगी। बहुत से पढ़े मतलब बहुत से स्मार्ट बच्चे, बहुत से तेज बच्चे इतनी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं कि क्वेश्चंस जो है उनसे गलत हो जाते हैं, और खास करके एसएससी में तो आपको 100 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे के अंदर, वहां आपको बहुत मेहनत की पढ़ाई नहीं चाहिए, वहां आपको स्मार्ट पढ़ाई चाहिए। क्योंकि होता क्या है, अगर गलतियां ज्यादा हो गई तो आप कंपटीशन से वैसे ही निकल गए। और देखिए 25 25 25 25 चार सेक्शन होते हैं, 25 मैथ के, 25 रीजनिंग के, 25 जीएस के, 25 इंग्लिश के, कभी भी कटऑफ जो जाती है 70% से ऊपर नहीं जाती है, 70% अगर आपका आया है तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब आप देखिए आपको जितने भी हर सेक्शन में करीब 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो आपको टफ रहेंगे ही रहेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आपको मीडियम मिलेगा और बाकी क्वेश्चन इजी मिलेगा। अगर आप जो क्वेश्चन सरल हैं और जो क्वेश्चन मीडियम है अगर उनमें गलती नहीं हुई और जो टफ क्वेश्चन है उनको आपने छोड़ भी दिया तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और स्मार्ट बच्चे यही ट्रिक अपनाते हैं सिलेक्शन लेने की, क्योंकि वो क्या करते हैं कठिन क्वेश्चन को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, उन पर जाते ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने ईगो पे दिया कि आपने मैथ बहुत पढ़ी है और मैथ में 25 में 25 करना है तो वहां टाइम लैप्स हो जाएगा और बाकी के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे और सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए 5-7 क्वेश्चन तो हमको छोड़ने ही छोड़ने हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर करने के भी अच्छे ढंग से। तो यहाँ सरल क्वेश्चंस में गलती ना हो, कठिन क्वेश्चंस पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं देना है, क्योंकि वो 5 या 7 क्वेश्चन से ज्यादा कभी नहीं आएगा पूरे पेपर में। जो बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, जो एकदम नए क्वेश्चन होते हैं जिनमें पुराने क्वेश्चन की कोई ट्रिक काम नहीं करती। तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य बराबर कह रहा है 1/10% का लाभ और 1/10% की हानि। तो आप ऐसे समझिए इधर क्रय मूल्य है इधर विक्रय मूल्य है, दोनों के क्रय मूल्य इक्वल है, हमने 100 रुपए दोनों के क्रय मूल्य मान लिए वस्तु के। अब जाहिर सी बात है कि 10% का 1 पर लाभ मिला है तो 100 की चीज 110 में बिकेगी, अगर 10% की हानि हुई है तो 100 की चीज 90 में बिकेगी। अब दोनों का सम देखिए, 100 रुपए की 100 रुपए की 200 रुपए हमने लगाया, ये 110 में बिकी ये 90 में बिकी, दोनों का 200 रुपए फिर हमको प्राप्त हुआ, यानी 200 रुपए लगाया था 200 रुपए ही प्राप्त हुआ, तो ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। यहाँ आंसर रटा वाला आंसर बदल गया, क्योंकि वहां जो आंसर 10×10/100 करके जो आता है वो तब आता है जब दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य इक्वल हो ना कि क्रय मूल्य। आप इसको ऐसे भी समझिए कि अगर दो वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ क्रय मूल्य पर फोकस कर रहा हूँ, और एक को 1% की लाभ या हानि पर या दूसरे को 1% की लाभ या हानि पर बेचा गया, दोनों हो सकता है, लाभ भी दे सकता है हानि भी दे सकता है। तो यहाँ एक फॉर्मूला है,
दोनों को हमको चिन्हों के साथ लेकर के जोड़ के आधा कर देना है। जैसे मान लीजिए हम कहें 20% के लाभ पर एक को बेचा गया तो प्लस 20 ले लेना है, अगर हम कहें कि एक को 10% की हानि पर बेचा गया तो वहां माइनस 10 ले लेना है, तो 20 माइनस 10 करेंगे 10/2 करेंगे 5% आ जाएगा, यानी कि 5% धन में आंसर आया तो उतने प्रतिशत का लाभ होगा, अगर यही सरल करने पर ऋण में आया यानी उतने प्रतिशत की हानि होगी। तो यहाँ ये जो फॉर्मूला है, एक को लेना है लाभ और एक को लेना है हानि, अगर लाभ हानि दिया, अगर दोनों लाभ दिया है तो दोनों को प्लस में लेना है, अगर दोनों हानि दिया है तो दोनों को माइनस में लेना है लेकिन जोड़ देना है। जैसे हम कहें कि एक वस्तु को 10% की हानि पर और एक को 20% की हानि पर बेचा गया, तो जब एक को 10% की हानि पर बेचा गया तो माइनस 10 लेंगे और एक को 20% की हानि पर बेचा गया तो माइनस 20 लेंगे। अब यहाँ ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, जुड़ जाएगा, माइनस 20/2 हो जाएगा, 15% की हानि आ जाएगी। तो यहाँ जो लाभ और हानि देख रहे हैं वो क्रय मूल्य इक्वल पर देख रहे हैं। अब यही चीज आइए देखते हैं, जब विक्रय मूल्य इक्वल हो तब देखते हैं उसको किस तरह से क्वेश्चन पर हम उसको ध्यान देते हैं। तो ये क्वेश्चन आके देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अब इसी को अगला देखते हैं, जिसमें प्रतिशत मतलब विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ या हानि अलग अलग दिया होता है दो वस्तुओं के, कि दो वस्तुओं को विक्रय मूल्य पर बेचा गया अगर एक ही विक्रय मूल्य पर, तो एक में अगर x प्रतिशत की लाभ या हानि होती है, दूसरे में y प्रतिशत की लाभ या हानि होती है, तो कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखिए इसको रटा रटाया तो ये रहता है कि मान लीजिए विक्रय मूल्य बराबर है और एक में 20% का लाभ हुआ और दूसरे में 20% की हानि हुई, तो कुल हमेशा हानि ही होगी और वो 20×20/100 यानी कि 4% की हानि होगी। ये एकदम रटा हुआ बहुत सारे आपको साइट्स पे दिख जाएगा यूट्यूब चैनल पे कि वो मैजिक दिखाते हैं, मैथ का मैजिक, कि बोला भाई विक्रय मूल्य दो वस्तुओं के बराबर है और एक को 20% लाभ पर बेचा, दूसरे को 20% हानि पर बेचा, तो कुल हानि होगी, दोनों का मल्टीप्लाई किया बटा 100 किया, इंटू मल्टीप्लाई करके 100/ डिवाइड कर दिया, 4% की हानि आ गई। लेकिन ये है जी, ये ट्रिक तभी काम करेगी जब जो लाभ और हानि दिया है वो इक्वल दिया है दोनों क्वांटिटी, और दूसरी चीज विक्रय मूल्य दोनों के बराबर है, तब ये चीज ट्रिक काम करेगी, अदरवाइज ये ट्रिक का आप फिर जो झेल जाओगे। क्योंकि अगर उसने ये 20 और ये 10 दिया, अगर आपको मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बोल देता है कि एक को 20% लाभ पर बेचा गया और दूसरे को 10% हानि पर बेचा गया, तो कुल लाभ हुआ या हानि बताइए, कुल हानि प्रतिशत आपने क्या किया, वही चीज रटे हुए देख, यहाँ तो 20×20/100 किया था, तो हाँ यहाँ भी हम 20×10/100 कर दें और इतने प्रतिशत की हानि हुई, तो ये बिल्कुल गलत है, आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपकी मेहनत भी गलत हो जाएगी। क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं है कि दोनों को मल्टीप्लाई किया बटे 100 किया इतने परसेंट की हानि। बहुत से लोग यही बताते हैं कि लाभ ले लीजिए, हानि ले लीजिए, दोनों का गुणा करके बटा 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और इस चीज को बहुत कम लोग बताते हैं कि लाभ और हानि अगर अलग अलग है तो हम कैसे लगाएंगे, तो वहां वो फॉर्मूला नहीं, बहुत लोगों को आइडिया है कि कैसे है, वो बच्चों को गलत बता देते हैं कि हाँ दोनों को गुणा करके बस बटे 100 कर दो और जितना आएगा उसकी हानि हो जाएगी। यहाँ दोनों का गुणा बटे 100 तब होगा जब दोनों लाभ और हानि प्रतिशत इक्वल हो, अदरवाइज नहीं होगा, उसके लिए ये फार्मूला आता है। इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब विक्रय मूल्य, पहली कंडीशन तो विक्रय मूल्य इक्वल है दोनों वस्तुओं, यानी दोनों ही वस्तुएं 100 रुपए में बेची गई है, यहाँ 100 रुपए में खरीदी नहीं गई है, इसके पहले क्वेश्चन में क्रय मूल्य इक्वल था यानी 100 रुपए और 100 रुपए में वो चीजें खरीदी गई थी, हमने माना है 100 रुपए। यहाँ देखिए 100 रुपए और 100 रुपए में वस्तुएं बिकी हैं, इधर का हमको नहीं पता है क्योंकि 100 रुपए और 100 रुपए में बेचने पर एक पर x प्रतिशत का लाभ मिला है और एक पर y प्रतिशत का लाभ या हानि, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। यहाँ ये रेट बदल जाएगा क्योंकि अभी हमने पहले भाग में कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर इधर की चीज भी है, इधर भी नहीं पता है, तो इधर की चीज में 100 का गुणा करिए और x प्रतिशत का लाभ है तो 100 धन x से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर अगर इसको निकालना है तो 100 ये था विक्रय मूल्य, इसमें 100 का गुणा करेंगे और हानि हुई है तो 100 - 1 से गुणा करेंगे, तो 100 - 1 से भाग दे देंगे। अब देखिए हमको दो चीजें मिली, अब इन दोनों को या तो जोड़ के टोटल क्रय मूल्य देखें और इधर तो खैर जोड़ेंगे तो 200 तो आ ही जाएगा। अब इधर कितना आएगा जोड़ने पर वो डिसाइड करेगा कि लाभ हुई कि हानि हुई।
लेकिन इतना लंबा कॉन्सेप्ट हमको इतना लंबा गणना नहीं करनी है। उसके लिए एक फार्मूला बहुत इजी फार्मूला है, 100 में x प्लस वाई। यहाँ x प्लस वाई इसलिए किया गया है कि एक लाभ और एक हानि है। यहाँ हमने जो भी x और y रखने हैं, इसको ध्यान रखिएगा, x और y चिन्ह के साथ रखने हैं, सिंबल्स के साथ रखने हैं, क्योंकि ये हमने एक मास्टर फार्मूला बताया है। इसको किताबों में लिखा रहता है x माइनस वाई माइनस टू एक्स इंटू वाई एक्स माइनस वाई, क्योंकि बुक्स में क्या होता है वो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला दिया होता है एक लाभ और एक हानि के लिए। तो वहां जब लाभ और हानि के लिए फॉर्मूला दिया है तो लाभ के लिए धन ले लेते हैं और हानि के लिए माइनस ले लेते हैं। तो वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, जैसे इधर मैं लिख देता हूं, अगर एक में मान लीजिए दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है और एक पर x प्रतिशत का लाभ हुआ है और एक पर y प्रतिशत की हानि हुई है, तो यहाँ जो फार्मूला लिखते हैं तो वो इस तरह से लिख देते हैं 100 गुणे x माइनस वाई, तो वो चिन्ह के साथ ले लिया हमने, फिर यहाँ माइनस ही लगा देते हैं 2 गुणे x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 200 प्लस x माइनस वाई। तो देखिए यही फार्मूला है, बस यहाँ क्या किया, लाभ था तो वो धन में ले लिया और हानि था तो उसको माइनस में ले लिया। ये जनरल फार्मूला है, इसमें अगर दोनों लाभ है तो हर जगह प्लस ही लेंगे, अगर दोनों हानि है तो हर जगह माइनस ले लेंगे, और अगर एक लाभ एक हानि है तो लाभ वाले को प्लस में रखेंगे और हानि वाले को माइनस में रखेंगे। वहां इससे फर्क नहीं पड़ता है कि एक्स ही लाभ हो या वाई ही लाभ हो या वाई ही हानि हो। तो आप जब इसमें रखेंगे तब हमको जो आंकड़ा मिलेगा, अगर चिन्ह के साथ, अगर लाभ है तो प्लस चिन्ह के साथ और अगर हानि है तो माइनस चिन्ह के साथ इस फॉर्मूले में रखा हमने। अगर उत्तर धन में मिलता है तो उतने प्रतिशत का लाभ, अगर उत्तर माइनस में आता है तो उतने प्रतिशत की हानि। और इससे ये फार्मूला निकल करके आया है, देखिए अगर लाभ और हानि बराबर हैं तो कैसे निकल करके आता है, यहाँ अगर लाभ और हानि बराबर होंगे तो हम 100 गुणे 10 माइनस 10, मान लीजिए 10% का लाभ होता है 10% की हानि होती है, फिर यहाँ हम 2 गुणे 10 गुणे माइनस 10 कर देंगे और डिवाइडेड बाई 200 प्लस 10 माइनस 10। अब यहाँ देखिए ये तो जीरो हो जाएगा क्वांटिटी, यहाँ ये जो क्वांटिटी आएगी माइनस में आएगी 2 × 10 × 10, और यहाँ ये दोनों जीरो हो जाएगा और ये 200 आ जाएगा, यानी कि आप इसको दो सेकंड इधर काट दीजिए तो -100 × 10 × 10/100, यही फार्मूला बन गया माइनस एक्स गुणे एक्स बटा 100 का, यानी कितने परसेंट की हानि, कुछ भी माइनस में आया है तो ये माइनस हमेशा आएगा, तो दोनों आंकड़ों का गुणा करके बटे 100 कर देंगे, उतने परसेंट की हानि हो गई। तो जो फार्मूला भी पहले हमने लिखा था लाभ गुणे हानि बटा 100 उतने परसेंट की हानि, तो वो इस फार्मूले से आता है, ना कि बस ऐसे ही सिंपल की लाभ और हानि को गुणा किया और बटे 100 कर दिया। तो ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, और इसको जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता भी बहुत है एग्जाम्स में, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी मैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा और उसमें क्वेश्चन के फॉर्म में ही सारे क्वेश्चंस होंगे। धन्यवाद।